जय हिंद बच्चों, देखिए आवाज जा रही है आप लोगों तक। आज अलजेब्रा का आपका सेकेंड पार्ट है ना। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भाई, आपका माउंटेन आप प्रैक्टिस में हम लोग ज्योमेट्री मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री ये कर चुके हैं। अलजेब्रा देखिए आज 5 तारीख है, आपका अलजेब्रा है। कल आपका यहाँ पे, कल अगर हम बात करेंगे, कल आपका रहेगा स्टैटिक्स, ठीक है। यहाँ पे 5 तारीख है, आज 5 तारीख को हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा का सेकेंड लेक्चर, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे PYQ, बाकी आके भी आपका इस तरीके से आएगा 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। आगे बात करते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है भाई। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका सारा क्वेश्चन कराएंगे। कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया था, कल आपका पेवली अलजेब्रा था पॉलिनोमियल, और यहाँ पे आप पूरे आज जो बात करेंगे हम लोग वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी बात होगी भाई। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पे आपका ध्यान रखना है कि भाई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + आपका क्या हो जाएगा c, ये आपका क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है। क्या होता है भाई, जनरल इक्वेशन होता है, ये आपका सामान्य समीकरण कहलाएगा। और यहाँ पे इसके आपके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, आपका c/a आ जाएगा, है ना। अब ये तो आपका पहला चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपको अल्फा बीटा पता है और यहां से आपको क्या बनाना, इक्वेशन बनाना है, तो सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस आपका क्या होता है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी चीज ये होता है कि भाई अगर आपका देखिए b² - 4ac डी की वैल्यू होती है, b² - 4ac यहां से आपका नेचर ऑफ रूट से बताता है। अगर डी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो रियल रूट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रियल रूट्स हो जाएंगे, यहाँ पे रियल आपका रूट्स हो जाएंगे, वास्तविक आपके मूल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं देखिए अनइक्वल भी होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनइक्वल आप बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका, अनइक्वल। और यहाँ पे अगर डी आपका क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, रियल एंड क्या हो जाएंगे आपका, इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे डी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, वैसे ये केस नहीं आपका आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमेजनरी रूट्स हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, ये दोनों केस आपसे पूछे जाते, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इसी पे दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इसी पर दिया गया है भाई, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे सबसे पहले आप पता करेंगे कि क्या हो जाएगा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे निकल कर आएंगे, ये इक्वेशन दिया, ये रूट्स दिए गए हैं, तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, -b/a, तो माइनस ऑलरेडी दिया, तो b/a हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स साइन थीटा इंटू आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये किसके बराबर आएगा, c/a, तो c/a निकल कर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा को गायब करना है भाई, आपको पता है इसका स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आपको पता है c/a हो जाएगा, और इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करें तो b² / कितना आ गया, a² निकल कर आ जाएगा। पूरे इक्वेशन में आप a² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, a² बनेगा, प्लस यहाँ पे करेंगे a के कैंसिल हो जाएगा, 2ac इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b² के बराबर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से आप चेक करो कि भाई अगर हम यहाँ पे देखते हैं b² इस साइड लाएंगे, तो a² माइनस क्या आ जाएगा, b² प्लस कितना हो जाएगा, 2ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a² आपका -b² + 2ac, देखिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा, आसानी से क्या आ जाएगा भाई, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा, क्लियर हुआ ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला देखिए। अब देखिए कुछ आपको भाई यहाँ पे अलजेब्रा में कल मैंने बताया था, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे अब आपका यहाँ पे अगर दिया गया है कि भाई अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा बीटा पता है,
आपसे पूछ लिया जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में कन्वर्ट करना होगा आपको, तो आप बताएंगे अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस टू अल्फा बीटा आ जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं, अगर आपको चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो आप बताएंगे एक ब्रेकेट में अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे और दूसरे ब्रेकेट में कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा थ्री अल्फा बीटा, ये चीज निकल कर आ जाएगी। आगे बात करते हैं, अगर कभी आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए होगा तो भाई यहाँ पे आपका देखिए स्क्वायर आपका रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या करना आपको स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस फोर अल्फा बीटा के क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको बीच बीच में क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए आएगा। यहां पे बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में बात करते हैं हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले अगर आप देखते हैं अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना निकल कर आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए सिक्स हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका सी बाई ए आपका कितना आ जाएगा सिक्स हो जाएगा। अब आप ये पता कर लो भाई यहां पर आपका क्या दिया गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक ब्रेकेट में, दूसरे ब्रेकेट में क्या बताया था मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस आपका कितना हो जाएगा थ्री अल्फा बीटा आपका आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे सिक्स है, ये सिक्स है आपका, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस छत्री कितना हो जाएगा अट्ठारह, और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा भाई अट्ठारह अट्ठारह छत्तीस आपका अट्ठारह छह कितना हो जाएगा तो आपका यहाँ पे एक सौ आठ हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताया था, तो आप बताएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस फोर, यहाँ पे माइनस क्या था टू अल्फा बीटा, क्या बताया था टू अल्फा बीटा, इसमें वैल्यू रखिए अल्फा प्लस बीटा छह सौ छत्तीस छह दूनी बारह, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई आपका चौबीस आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा आगे है आपका कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे कितना आया आपका सिक्स आया, तीनों को जोड़ा गया है, देखिए यहाँ पे तीनों को जोड़ा गया है तो चौबीस और छह कितना हो गया तीस, तीस और आठ कितना हो जाएगा अड़तीस, तो इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो एक सौ अड़तीस के बराबर आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 138 निकल कर आ जाएगा, बताइए बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे देखिए व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। भैया यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे इसका आपका कोफिशिएंट क्या कर दे वन कर दे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना होगा माइनस, अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वन अपान कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वन अपान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका वन अपान ए स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा वन अपान बी स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये क्या है सम ऑफ द रूट्स है और ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, तो वन अपान ए स्क्वायर वन अपान बी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। हाँ पायल जय हिंद, अजू जय हिंद भाई अजू, चले आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टी एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो इज सेवन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है अजू पायल बताइए। तो भाई यहाँ पे जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अगर आप देखेंगे इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका एक वैल्यू कितना आपका सेवन है, ये सेवन है आपका इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स की वैल्यू आप रखिए सेवन, सेवन सात का स्क्वायर उनचास बुढ़े सात तो कितना आ जाएगा भाई तीन सौ तिरालीस आ जाएगा, कितना आ जाएगा तीन सौ तिरालीस आ जाएगा आपका। आगे बात करते हैं माइनस पचास बुढ़े सात कितना आ जाएगा तीन सौ पचास प्लस आपका के, ये किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर आएगा,
और यहां से देखिए 43 आपका माइनस 7 उस साइड लेके जाएंगे तो 7 आ जाएगा। के की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 7 निकल कर आ जाएगी। बताइए ये बात क्लियर हुई। आगे बात करते हैं अगला, देखिए वह द्विघात समीकरण जिसके मूल भाई सम ऑफ द रूट्स अगर आप निकालते हैं तो यहां पे कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 = 0, यही है आपका। तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सी बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू आपका इक्वेशन बन जाएगा। बताइए भाई क्लियर हुआ आपका। आगे चलते हैं अगला, आगे आपसे बोला गया है द डिफरेंस आपको निकालना रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो भाई डिफरेंस आपका निकालना, मैंने क्या बताया था आपको डिफरेंस के लिए, सबसे पहले अगर अल्फा माइनस बीटा आपको निकालना है, इसका स्क्वायर आपका प्लस में क्या था वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना था 4 अल्फा बीटा, इसी में आपको रखना है सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर यहां पे बात करते हैं, देखिए यहां पे बात करते हैं आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स आपका निकल कर कितना आएगा भाई, आप बताएंगे माइनस बी बाई ए 11 बाई कितना आ जाएगा 2, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा सी बाई ए 5 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये वैल्यू इसके अंदर आपको रखना है। देखिए यहां से अगर बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 121 बटे कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, तो यहाँ पे 5 बाई कितना आपका 2 है, ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे आपका हर समान हो जाएगा, 5 और 20 है, 20 और 4 कितना हो जाएगा आपका, अच्छा 5 और 20 = 19 कितना हो जाएगा आपका 40, 40 यहां से निकालेंगे तो कितना बचेगा भाई 81 बटा कितना आ जाएगा 4, और ये आपका रूट निकालेंगे तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2, तो 9/2 का मतलब कितना आ जाएगा भाई 4.5, तो यहां से आपका सम ऑफ द रूट्स, ये आपका डिफरेंस ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा 4.5 निकल कर आ जाएगा। हो गया भाई, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपका देखिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले आपका इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी आपका इज इक्वल टू जीरो इज द स्क्वायर ऑफ द अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, यदि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी आपका इज इक्वल टू जीरो है का एक मूल दूसरे का वर्ग है निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। देखिए भाई आपको क्या करना है, कंडीशन लगानी है, यहाँ पे क्या करना है कंडीशन लगा, पहले आपका देखिए एक रूट अल्फा है, एक कितना हो जाएगा आपका ये बोला गया दूसरे का वर्ग है अल्फा स्क्वायर, तो दोनों का सम करेंगे तो अल्फा कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस वन हो जाएगा, और यहां से अगर बात करते हैं सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए तो कितना आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका कितना आ जाएगा अल्फा क्यूब, यहाँ पे कितना आ जाएगा सी बाई ए, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं देखो ये क्यूब है तो इसका क्यूब कर लो, तो यहां से अगर हम बात करते हैं ये ए क्यूब आपका निकल कर आएगा, यहाँ पे अगर देखिए ये आपका
अब आपका जो बचा हुआ अल्फा हमने अलग कर दिया और अल्फा प्लस वन है तो इसका क्यूब करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस आपका यहाँ पे वन का क्यूब प्लस आपका थ्री इंटू ए बी तो थ्री अल्फा इंटू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस वन आ जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर होगा बी क्यूब के बराबर होगा। इसमें सारी वैल्यू अल्फा क्यूब की वैल्यू आपको पता है रख दो यहाँ पे अल्फा क्यूब की वैल्यू कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। यहाँ पे क्या है सी प्लस कितना हो जाएगा वन प्लस थ्री इंटू अल्फा प्लस अल्फा 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 प्लस वन कितना है बी है तो थ्री बी आपका हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बी का क्यूब आएगा और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा भाई सी स्क्वायर प्लस सी और प्लस कितना आ जाएगा थ्री बी सी आपका ये किसके बराबर आ जाएगा बी क्यूब के बराबर आ जाएगा। यहां से अब आपको क्या करना है भाई ऑप्शन को मैच कराना है। देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं सी स्क्वायर देखिए सी स्क्वायर प्लस सी तो सी स्क्वायर प्लस थ्री आपका थ्री बी टी और बी क्यूब आपका पहला ही आंसर आपका निकल कर आ रहा है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा भाई आपका ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। ओके आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं ये आपको दिया गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्स प्लस आपका रूट आपका सिक्स है तब में आपका इनफाइनाइट तक दिया गया। अब ऐसा जब क्वेश्चन दिया जाता है भाई क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं इसका क्या बनाते हैं इसका फैक्टर बनाते हैं टू इंटू थ्री ऐसा फैक्टर बनाते हैं कि जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो वन का हो। अब इसमें आपका प्लस है आपका बड़ी वाली वैल्यू आंसर होता है बिल्कुल भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्स और थ्री कितना हो गया नाइन और एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका थ्री तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका कितना आ जाएगा आपका थ्री के बराबर निकल कर आ जाएगा। आइए आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिए यहाँ पे अब आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये आपका जो ये इक्वेशन है ये बार बार आपको दिया जाता है ठीक है ये बार बार आप में आता रहता है तो यहाँ पे अगर बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन आपका जीरो है कि मूल आपका दिया गया अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स है तो इसकी वैल्यू आपको पता करना है तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा भाई आपका तो आप बताएंगे अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ जाएगा माइनस बी बाई ए तो मतलब कितना आ जाएगा वन अल्फा बीटा आपका सी बाई ए तो माइनस वन आ जाएगा। अच्छा इसको हम लोग जानते हैं चेंज करना भाई कितना आ जाएगा आपका अगर हम बात करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा माइनस आपका टू अल्फा बीटा ये आएगा निकल कर बिल्कुल। यहां से अब बात करते हैं नीचे की तरफ क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पे आप देखिए अल्फा अल्फा प्लस बीटा एक साथ कर लेंगे अब यहाँ पे जो बचा क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर उसकी जगह क्या हम रख सकते हैं तो आप बताएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा फोर अल्फा बीटा निकल कर आ जाएगा यही आएगा बिल्कुल होल स्क्वायर की जगह। यहाँ पे अगर बात करते हैं देखिए इसमें सारी वैल्यू आपको पुट करना है अल्फा प्लस बीटा कितना हो वन है और यहाँ पे आपका माइनस वन और इंटू माइनस टू कितना आ जाएगा भाई प्लस टू आ जाएगा और नीचे यहाँ पे कितना हो वन है इंटू आपका देखिए इसके अंदर क्या बचेगा आपका वन माइनस आपका फोर इंटू माइनस वन आपका तो प्लस फोर हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे टू वन कितना हो जाएगा थ्री और फोर वन कितना आ जाएगा आपका फाइव
तो यहां से जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 3/5 निकल कर आ जाएगा। बताइए भैया कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चाहते हैं सीडीएस टीपीएफ एफकेट की तैयारी करना बिल्कुल आज ही कॉल करिए 9693330033 पर और आसानी से कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे अगर बात करते, देखिए मैंने ये चीज बताया था आपको, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे एम और एन आपका समीकरण इसके मूल है, तो यहां से अगर आप चेक करेंगे एम प्लस एन आपका कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए आएगा, है ना। m into n आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, c by a आ जाएगा, ये चीज आपका है। और फिर आपसे ये बोला गया है कि आपको पता करना है इसके मूल आपके कौन कौन से हो जाएंगे, इसके मूल है इक्वेशन पता करना है। सबसे पहले तो भाई x स्क्वायर आपका रहेगा ही, अच्छा यहाँ पे अपान सी है, पहले इनको क्या करो सम ऑफ द रूट्स आप पता कर लो। सम अगर हम पता करते हैं भाई m स्क्वायर प्लस 1 अपान कितना आ जाएगा, यहाँ पे m है, यहां से आगे बात करते हैं प्लस आपका एन स्क्वायर प्लस 1 अपान कितना है, यहाँ पे एन है। सम ऑफ द रूट्स की बात करेंगे तो ये चीज आपका कहाँ आ गया, यहाँ पे आपका एम स्क्वायर एन हो गया आपका, यहाँ पे आपका एन हो गया प्लस यहाँ पे आपका एन स्क्वायर आपका एम हो गया प्लस यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा एम हो जाएगा डिवाइड बाई एम एन आपका। अच्छा यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, एम एन कॉमन है आपका, तो क्या आएगा m प्लस n आएगा। और अगला क्या बचेगा आपका, m प्लस n आपका बचेगा और इसमें क्या आ जाएगा डिवाइड बाई m n हो जाएगा। और यहां पे देखिए m n की अगर बात करते हैं कितना दिया गया आपका c बाई a दिया गया है, यहां पे कितना दिया गया c बाई a दिया है, m प्लस n आपका माइनस b बाई a दिया है, कितना दिया गया माइनस b बाई a प्लस यहां पे आपका माइनस b बाई a ये भी दिया गया है। आगे बात करते हैं देखिए यहाँ पे एम एन की वैल्यू आपका सी बाई ए है, ये चीज हो जाएगी। और यहाँ पे देखो भाई आपका ऊपर अगर आप चेक करते हैं कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे माइनस बी सी आपका आएगा, कितना आएगा माइनस बी सी। और यहाँ पे ए आ जाएगा माइनस आपका ए बी, यहाँ पे ए आपका एक आ जाएगा भाई, यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, डिवाइड बाई आपका देखिए कितना आ जाएगा ए स्क्वायर नीचे आएगा तो ए से ए कैंसिल होगा ए सी हो जाएगा। अब माइनस करेंगे ए बी प्लस बी सी आएगा, है ना, ए बी प्लस बी सी आ जाएगा माइनस का। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ये तो आपका चला गया गलत हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, और लेकिन यहाँ पे आपका माइनस आपका कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा, जबकि यहाँ पे माइनस रखा रह गया तो आपके पास सीधा सीधा आंसर बन गया सम ऑफ द रूट से अकेले। ठीक है भाई आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है इसका मान किसे, अब देखिए मिनिमा और मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं एक्स के फॉर्म में दिया है, सबसे पहले आपको इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है, तो आप बताएंगे ये तो आपका एक्स माइनस टू का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल बस जहां तक एक्स है उतने को बदलना है। तो ये आपका दो दूनी आपका चार हो गया, और दो दूनी चार आपका कितना बचेगा सात बचेगा, है ना। अब इसकी अगर हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू भाई स्क्वायर वाले कितनी हो जाएगी, जीरो होगी। तो भाई इसका जो वैल्यू है मिनिमम हमेशा कितना आएगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू दो पर आपका देखेंगे मिनिमम वैल्यू कितना आएगा सात आएगा, और ये सेवन से कम इसकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे बस एक्स इक्वल टू टू रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये आएगा सात, मतलब मिनिमम वैल्यू आपका सात रखेंगे सात होगा, बाकी कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो आपका हमेशा इससे सेवन से ज्यादा ही देगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा ये सात से कम नहीं हो सकता है। सौरभ मिश्रा आप कैसे कर लेते हो सब, अरे भाई कैसे क्या मतलब है, आप पढ़ेंगे तो आपसे भी बनेंगे, है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पे देखिए द एक्सेप्शन आपका दिया गया, द एक्सप्रेशन आपका बच्चों 2x³ + x² - 2x - 1 इज डिविजिबल बाई कौन, ये आपका डिविजिबल है। तो मैंने क्या बताया था आपको कल, ये चीज बताई थी, ये चीज आपको क्या करना इसके अंदर रखना है वैल्यू,
किसका, अगर मान लेते हैं ये आपका जीरो है तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया माइनस टू रखने पर ये वैल्यू हो जानी चाहिए क्या जीरो। तो ये फैक्टर है तभी डिवाइड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब जैसे यहां पे रखेंगे दो दूनी चार दूनी आठ, आठ दूनी कितना हो गया माइनस सोलह आ गया, और यहां पे देखिए कितना आ जाएगा चार हो जाएगा, और यहां पे दो दूनी कितना आ गया भाई आपका चार हो गया माइनस वन। क्या ये जीरो आएगा चार चार आठ, नहीं ये जीरो नहीं आएगा। अच्छा फर्स्ट से हम यहाँ पे भी रख सकते हैं दो, तो दो दूनी चार आठ, आठ दूनी सोलह आ जाएगा, सोलह चार आपका बीस हो जाएगा। अब यहां से देखिए चार पांच जाएगा बीस में से, ये भी नहीं हो पाएगा आपका, ये भी नहीं हो पाएगा। अगला आप चेक कर लो कि अगर टू एक्स प्लस वन, आप चेक करके बताइए एक्स की वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगा माइनस वन बाई टू, यहां पे रखिए देखिए क्या जीरो होता है बताइए भाई। देखिए भाई ये होगा कि नहीं होगा, अगर हम माइनस वन बाई टू रखते हैं तो यहाँ पे देखिए माइनस वन बाई एट हो जाएगा, टू इंटू कितना आ जाएगा माइनस वन बाई एट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका देखिए कितना आ जाएगा वन बाई फोर, और यहाँ पे आपका दो से दो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा वन, माइनस वन है भाई। यहाँ पे देखिए दो चौक आठ आपका, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, कितना हो गया बच्चा आपका जीरो। यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे रखने पर आएगा, ठीक है यही रखने पर आपका निकल कर आ रहा है। आगे बात करते बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अब आप देखिए कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, उसमें उसमें जो है आपका तीन भाई थे दो दो का सम दिया था, वैसे ही यहाँ पे है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, तीनों जोड़िए तो आप बताएंगे टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे दस पांच पंद्रह, पंद्रह कितना हो जाएगा तीस, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना आ जाएगा पंद्रह। अब यहाँ पे z प्लस x आपका देखिए कितना आपका, ये अगर आपका पंद्रह है तो भाई इसकी वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए। फिर आगे बात करते हो y प्लस जेड आपका दस है, तो y और z मिलकर दस है, तो दस इधर लेके जाएंगे तो मतलब ये पांच आएगा, और पांच और जीरो इधर जाएगा तो ये आपका दस हो जाएगा, तीनों का वैल्यू आ गया। अब देखिए कौन बड़ा है, सबसे बड़ा जेड है, फिर कौन आपका एक्स है, फिर कौन आपका वाई है, यही अरेंजमेंट आपसे पूछा गया, जेड एक्स वाई आपका कौन सा आ जाएगा, ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं यहाँ पे, जो बच्चा सीडीएस सीपीएफ एफकेट एसीसी आईसीजी के लिए ज्वाइन करना चाहता है आज ही बच्चों कॉल करिए, अफोर्डेबल प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हैं 9693330033 पर कॉल करके। आगे बात करते हैं यहाँ पे देखिए अगला आपका दिया गया है यहाँ पे कि भाई यदि समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आपका टू बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो के मूल बराबर है,
बराबर होने के लिए क्या रखना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, फोर ए सी। अब ये वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर दो दूनी चार है, बी स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ए सी आ जाएगा। इसका क्या है आपका होल स्क्वायर है, बराबर फोर इंटू यहाँ पे ए इंटू सी। ए आपका कितना है यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी सी है, और सी कितना आपका, सी स्क्वायर आपका माइनस ए बी है। अब देखिए यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे भाई, आपस में क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे कुछ कैंसिल होगा कुछ बचेगा आपका। जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं, बी का आपका पावर कितना हो जाएगा, फोर, और यहाँ पे आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, है ना। माइनस आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस आपका टू इंटू बी स्क्वायर ए सी आ जाएगा। कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ए सी आ जाएगा। यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे ए स्क्वायर मतलब ए ए क्यूब बी आ जाएगा, और बी सी से करेंगे तो माइनस आपका बी सी क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस है। तो यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर सी, ए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी आ जाएगा। अब इसको आप सेपरेट करेंगे तो यहां से देखिए आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आपका थ्री बी स्क्वायर आपका सी निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते ए स्क्वायर सी स्क्वायर आपका कैंसिल भी हुआ। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि भाई ये आपका बी, बी आपका सब में दिख रहा है क्या, बिल्कुल बी आपका सब में दिख रहा है, तो बी एक आप कैंसिल कर दो तो ये आपका क्या बचेगा, क्यूब बचेगा केवल, है ना। यहाँ पे बी एक आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक बी आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक बी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं ए क्यूब बी क्यूब, आप ए क्यूब सी क्यूब इधर इस साइड लाएंगे तो ए क्यूब प्लस आपका क्या हो जाएगा, बी क्यूब वही है, प्लस आपका कितना हो गया भाई, सी क्यूब आपका, देखिए कितना हो गया, सी क्यूब। अब ये टू ए बी सी उस साइड जाएगा, ए बी सी एक और है, ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, आपका ए बी सी के बराबर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल कर आया, जो कि इसमें आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, ये डी पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा आसानी से। आगे चलते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं। देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के मूल माइनस वन और वन है भाई, ये आपका माइनस वन एंड वन है, तो सम ऑफ द रूट्स अगर निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे माइनस बी बाई ए ये कितना हो जाएगा आपका, ये बी की वैल्यू यहां से क्या बता रहे हैं, जीरो है, यहां से क्या बता रहे हैं, जीरो है। तो ए एंड सी बोथ आर जीरो, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव, नहीं ये नहीं बोल सकते हैं भाई, बी तो आपका जीरो बस आ रहा, वैसे कोई बात ही नहीं की गई है। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सम ऑफ द रूट्स, देखिए सम ऑफ द रूट्स आपका माइनस वन आपका इंटू सॉरी प्रोडक्ट, ये तो सम ऑफ द रूट्स हमने निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस वन इंटू वन करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए आएगा। अब देखिए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ए, मतलब सी और ए क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन आएंगे। यहाँ पे क्या ए एंड सी आर बोथ आर जीरो, बोथ आर जीरो आपका होगा, नहीं ए और बी आपका, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये तो ए है आपका और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए। तो यहाँ पे ए एंड सी आर बोथ आर नेगेटिव, ए एंड सी आर बोथ अपोजिट साइन, ये आपका निकल कर आ जाएगा। ए और सी आपका कैसे हो जाएंगे, ये अपोजिट साइन में निकल कर आएंगे, है ना। और दूसरा केस ये होता है आपका बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आगे बात करते हैं यहाँ पे, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर आपका जीरो इज थ्री टाइम्स द आपका अदर, भाई इस टाइप का सवाल पीछे भी मैंने कराया कि मतलब यहाँ पे एक रूट आपका अल्फा होगा, दूसरा रूट कितना हो जाएगा, थ्री अल्फा हो जाएगा। अब यहां से अगर आप पता कर लो भाई सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा, फोर अल्फा, तो फोर अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, माइनस क्यू अपान कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू माइनस क्यू अपान कितना आ जाएगा, फोर पी निकल कर आ जाएगा, ये होगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स थ्री अल्फा स्क्वायर, ये आपका कितना आ जाएगा, सी बाई ए, आर अपान कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो थ्री इंटू अल्फा स्क्वायर, तो वहां पे क्या है आपका क्यू स्क्वायर है, डिवाइड बाई फोर पी का स्क्वायर, तो आपका सोलह पी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका कितना है, आर अपान पी के बराबर है, एक पी इससे कैंसिल हो जाएगा
अब 3q² आपका किसके बराबर आएगा, तो 16pr के बराबर आएगा। 3q² इज इक्वल टू 16pr, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई, ए पार्ट निकल कर आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं अगला, आइए भाई यहां पे देखते हैं, यम का यम परसेंट, तो यम स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, प्लस यन का यन परसेंट, यन स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए आपका क्या दिया है, यम प्लस यन 2% है, तो 2mn/100 हो जाएगा, 2mn/100 हो जाएगा। इसको आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर माइनस 2mn आएगा, यहां पे बराबर 0, यम माइनस यन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यम इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, यन आ जाएगा। अब यहां से आप चेक कर सकते हैं यम अपॉन यन रेशियो 1/1 आएगा। हमसे क्या पूछा गया है, देन व्हाट परसेंट ऑफ यम इज यन, आपसे क्या बोला गया है यम का यन कितना परसेंट होगा, तो यहाँ पे आपका देखिए देन यम यम आपका यम यन इज व्हाट परसेंट ऑफ एम, तो भाई यहाँ पे आपका 1/1 × 100, तो मतलब आपका यम का, तो यम आपका, यम का मतलब वन का कितना परसेंट आपका हो जाएगा क्या आपका यन, यही चीज आपका है। तो एक्स बराबर, देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये आपका भी, ये भी तो वन है, तो यहाँ पे आप लेके जाएंगे 1/1% है, इंटू 100 करेंगे, ये आपको दे देगा कितना भाई 100% दे देगा, कितना आ जाएगा सी पार्ट निकल कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे आप बात करते हैं हम लोग कि भाई इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आपका nx² + mx + m इज इक्वल टू 0 है, आर इन द रेशियो पी रेशियो क्यू, ये भी आपका दिया गया है कि पी रेशियो क्यू में है, अब ये रेशियो दिया गया है, तो भाई यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी बनेगा, और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू बनेगा, डिवाइड बाई आपका रूट पी क्यू आ जाएगा। अच्छा सीधे सीधे आप ऐसा भी लिख सकते थे कि भाई P और Q का रेशियो ही तो आपका यहाँ पे दिया गया है, अच्छा मतलब ये आपसे आप मतलब ये रूट आपके P और Q में है, तो मतलब अल्फा अपान बीटा में है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और रूट आपका अल्फा बीटा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ये रेशियो है, प्लस आपका रूट एम अपान एल, अभी छोड़ दो इसको आप, तो पी क्यू अगर अल्फा प्लस बीटा, आपसे अगर हम बात करें माइनस बी बाई एल, तो माइनस एम अपान एल आप बोल सकते हैं, बिल्कुल भाई यहाँ पे पी एल पी क्यू आपका, तो एम अपान कितना आ जाएगा एल आ जाएगा, एम अपान एल आपका क्या आ जाएगा रूट का, अब ये रूट है आपका, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये भाई एम अपान एल का स्क्वायर है, तो ये आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा रूट ही तो बचेगा, और प्लस और माइनस ये कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा आपका जीरो आएगा, तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी जीरो आएगी। ठीक है आगे बात करते हैं अगला देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन पी एंड क्यू ऑन द वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपका दिया गया x² + px + q 0 इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन था कि यहाँ पे एक रूट आपका दूसरे का स्क्वायर है, ये अल्फा अल्फा स्क्वायर, तो भाई सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा अल्फा 1 + α, ये किसके बराबर आ जाएगा माइनस पी के बराबर, माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब, ये किसके बराबर आ जाएगा क्यू के बराबर आ जाएगा, अब मैंने क्या बताया इसका क्यूब कर दो, तो यहाँ पे अल्फा ये क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब प्लस कितना आ जाएगा बी क्यूब प्लस 3 अल्फा 1 + आपका कितना हो जाएगा अल्फा, ये आपका कितना आ जाएगा निकल कर भाई, यहाँ पे आपका पी का क्यूब माइनस पी का क्यूब आ जाएगा, सारी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू, और ये आपका कितना आ जाएगा क्यू आ जाएगा प्लस 1, और यहाँ पे 3 आपका, तो माइनस कितना आ जाएगा 3p आ जाएगा, और ये आपका माइनस पी क्यूब के क्या आ जाएगा बराबर आएगा। अब ये चीज अगर आप इस साइड लाएंगे उठा के, तो पी का क्यूब प्लस कितना आ जाएगा
क्यू स्क्वायर आपका प्लस क्यू, अब ये देखिए माइनस है उस साइड भेज दो तो 3pq के बराबर आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 3pq के बराबर आ जाएगा। तो p का क्यूब चाहिए भाई, तो p का क्यूब है और क्यू स्क्वायर क्यूब 3pq, ये आपका कौन सा आ जाएगा c पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला यहां पे आपका दिया गया इफ वन वन रूट ऑफ द ए ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री एक्स स्क्वायर थ्री ए माइनस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ट्वाइस द अदर, मतलब एक अगर आपका अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा टू अल्फा है, ये बोला गया आपका ट्वाइस द अदर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो आपसे पूछा गया है ए की वैल्यू क्या आएगी। सेम चीज है आपका, अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना आ जाएगा थ्री अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे तो वन माइनस थ्री ए अपान कितना आ जाएगा ए की वैल्यू, तो ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा, ये आएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे टू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा टू अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा सी बाई ए, तो टू अपान कितना बनेगा आपका, तो टू अपान ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस कितना आ जाएगा आपका थ्री। यहाँ पे आगे बात करते देखिए भाई अल्फा स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे ये जाएगा क्या हो जाएगा आपका ये इस साइड चला जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे टू इंटू आपका देखिए और यहाँ पे थ्री थ्री सा कितना आ जाएगा नाइन, वन अपान नाइन आएगा और ये वैल्यू आपका वन माइनस थ्री ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा नीचे आपका देखिए ये ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस कितना आ जाएगा थ्री इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा टू अपान ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री के बराबर आएगा। अच्छा भाई यहाँ पे अब आप साफ करिए देखिए यहां से देखेंगे हम लोग टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, एक इसकी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, अब यह जाएगा इस साइड तो आप चेक करेंगे तो वन माइनस थ्री ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे वन प्लस तीन थ्री का कितना आ जाएगा नौ ए स्क्वायर आपका माइनस टू इंटू ए बी, तो माइनस आपका दो तिहाई छह ए बराबर आपका कितना हो जाएगा भाई उस साइड आपका जाएगा देखिए ये इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा इसमें नाइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नाइन ए स्क्वायर माइनस आपका नौ पचे कितना आ जाएगा पैतालीस ए प्लस आपका नौ त्री कितना हुआ सत्ताईस, इसकी वैल्यू आपको क्या करना है सॉल्व करना है। नाइन ए स्क्वायर नाइन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां पे अगर हम बात करते हैं हाँ ठीक है यहां पे आप देखिए कितना आ जाएगा भाई पैतालीस है और छह उधर लेके जाएंगे, अच्छा पैतालीस इधर आप लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे उनतालीस आ जाएगा, कितना आ जाएगा उनतालीस ए आ जाएगा, ये इस साइड लाने पर वन उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा छब्बीस आ जाएगा, कितना आएगा छब्बीस, अब तेरह दूनी छब्बीस तेरह तेरह कितना आ जाएगा उनतालीस, तो यहां से आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका टू बाई थ्री, कितना निकल कर आ रहा आपका टू बाई थ्री निकल कर आ रहा है। ठीक है आगे बात कर लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, यदि समीकरण आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आपका क्यू है इस पर टू जीरो के मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको चेक करना भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा आएगा, बिल्कुल आपका अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस पी बाई वन है तो माइनस पी का स्क्वायर तो पी का स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा कितना आ जाएगा क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस टू क्यू निकल कर आएगा, कितना आ जाएगा भाई आपका पी स्क्वायर माइनस टू क्यू निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं देखिए अगला यहाँ पे m का वह धनात्मक मान ज्ञात करिए जिसके आप जिसके लिए समीकरण 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 आपका जीरो के मूल, यहाँ पे आप क्या मान लेंगे थ्री अल्फा और ये क्या है टू अल्फा, तो यहाँ से आप देखिए सम ऑफ द रूट्स अगर हम निकालते हैं फाइव अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस फाइव माइनस एम अपान कितना हो जाएगा ट्वेल्व, और यहां से आप देखिए अल्फा की जो वैल्यू है वो माइनस एम अपान कितना आ जाएगा बारह पचे साठ हो जाएगा, कितना आ जाएगा साठ हो जाएगा,
अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, सी बाई ए, पाई बाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 गुणे अल्फा, अल्फा का स्क्वायर तो यम स्क्वायर, बटे कितना आ जाएगा, 60 गुणे 60 आपका बराबर 5/12 है। यहां से आप सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 5 यहां पे कितना आ जाएगा, 12 सॉरी यहां पे आपका ऐसे सॉल्व करिए, ये कितना आपका भाई यहां पे 6 दहा में कितना आ जाएगा, 60 आपका, तो ये आपका 60 है, 6 दहा में कितना आ जाएगा, 60, और यहां पे 12 पचे कितना आ जाएगा, 60, 5 यहां पे है, यम स्क्वायर है तो 5 तो बाहर निकल जाएगा, क्या फंसेगा आपका, √10, ये 5 √10 निकल कर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ए पार्ट निकल कर आएगा। आगे बात करते हैं अगला, यहां पे आपका इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपका ये आपको दिया गया है आर इक्वल, भैया रूट आपके कैसे हैं, इक्वल है, देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहां पे अगर रूट इक्वल है तो फिर से सेम कंडीशन आपको लगाना है, b² - 4ac का, ये क्या हो जाएगा, b² आपका -4ac या फिर आपका 4ac के बराबर है, ये सेम चीज लगाएंगे, पीछे अभी यही सवाल था, जस्ट आपको पीछे यहाँ पे कराया था हमने, वही आपका सेम सवाल है, यहाँ पे आप लगाएंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है, इसी में रखना है बस। यहाँ पे बात करते px² + x + r के मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, देखो भाई एक अल्फा है और एक क्या हो जाएगा, 1/α है, अगर प्रोडक्ट करते हैं हम लोग तो यहाँ पे कितना आता, 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे इनका कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू 1/α 1 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, c/a आता है, तो c = कितना आ रहा, a, तो c की जगह कितना आपका r है और a की जगह कितना आपका p है, तो p = कितना आ जाएगा भाई आपका r आ जाएगा, कितना आ जाएगा, p = r निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b ऑप्शन निकल कर आएगा। आगे बात करते हैं अगला, देखिए ये आपको दिया गया है कि भाई यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा, है ना, आगे अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आता, -b/a आता है, -b/a आता है, यहाँ पे आपका अल्फा बीटा कितना आता है, c/a आता है ना, और ये +1 है, यहाँ पे आप देखिए c - b + a / कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका a + c - b है, तो -b यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे -b बस दिया गया है, तो a - b आपका, तो a - b + c / a, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी पार्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें आप देखिए द्विघात समीकरण, इसका आपका दिया गया x - 1 x + 1, इसका कोफिशियंट है भाई, अगर इसका कोफिशियंट है तो यहाँ पे तो x आपका कुछ है नहीं, तो भाई x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0, जैसे ही x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आगे बात करते हैं, x - 1 आप रखेंगे तो x - 1 = 0, x की वैल्यू क्या करेगी, 1 सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे आप रखेंगे a + b बराबर कितना आ जाएगी, तो 0 है ही है, 0 हो जाएगा, तो a = कितना आ जाएगा, -b निकल कर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका सॉरी ये आपका गलत दिया है भाई, देखो इसके यहाँ पे मतलब ये फैक्टर है, जब इसमें आप x की जगह रख रहे हैं 0, ये 0, c आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जब फैक्टर है मतलब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर आपका बच रहा है 3, तब यहाँ पे c की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आगे पता करते हैं अगला, देखिए जैसे ही x - 1 पर एड्रेस से डिवाइड करेंगे 6 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे आपका 0 रखेंगे तो x = कितना आ जाएगा, 1, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करिए, तो यहाँ पे आपका 1 रखेंगे तो a और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, b, और c की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना है भाई, 3 है, और यहाँ से a + b की ही वैल्यू आपको पता करना है, देखिए तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 - 3 आपका 3 आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा, तीसरे वाले कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ए पार्ट आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला, यहाँ पे सबसे पहले अल्फा बीटा आप बाद में रखना, पहले इसमें क्या करो ए अल्फा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अल्फा प्लस बी आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ ये ए बीटा है, ये क्या है भाई, ए बीटा है,
और प्लस बी है, ए अल्फा है प्लस बी हो जाएगा, ए अल्फा प्लस आपका बी है डिवाइड बाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ देखिए तो ए स्क्वायर आपका अल्फा बीटा आएगा, ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा अल्फा बीटा आएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे ए बी आपका अल्फा और यहाँ पे आपका ए बी आपका बीटा, तो ए बी अगर कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं बी बी कितना आ जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी में सारी वैल्यू आपको रखना है, देखिए यहाँ पे ए अगर अगर हम ए कॉमन करें तो अल्फा प्लस बीटा आएगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस बी बाई ए होती है, ठीक है। आगे यहाँ पे अगर बात करते हैं ये हुआ बी बी कितना आ जाएगा टू बी ऊपर आएगा, नीचे देखिए ए स्क्वायर आपका अल्फा बीटा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर बात करते प्लस ए बी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा भाई अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए हो जाएगा प्लस आपका बी स्क्वायर है। इसको आप सॉल्व करिए देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा टू बी माइनस बी कितना आ जाएगा आपका बी बचेगा, ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा माइनस ए बी बचेगा और यहां पे देखिए ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर आपका प्लस माइनस कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस आपका क्या हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए बी लेकिन माइनस आपका यहाँ पे आ रहा है अच्छा ये गड़बड़ हुआ यहाँ पे अल्फा बीटा है तो सी बाई ए आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बच्चों क्या रखना पड़ेगा सी बाई ए रखना पड़ेगा देखिए सी बाई ए। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा वो तो ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा ए सी होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा आपका, तो बी अपान कितना बचेगा ए सी निगेटिव नहीं आएगा पॉजिटिव रहेगा, बी अपान ए सी आप चेक करो किसी में दिया गया है ये बी पार्ट में आपको दिया गया है, ठीक है बी पार्ट में दिया गया। आगे बात करते हैं अगला, इसका भी देखिए न्यूनतम वैल्यू आपसे पूछा गया है, अभी पीछे इस टाइप से आपको साल कराया था कि यहाँ पे भाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे अगर बात करते टू से डिवाइड करेंगे टू कॉमन कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस फाइव अपॉन टू और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस आपका फाइव। अब यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो भाई यहाँ पे टू चाहिए तो टू चाहिए तो यहाँ पे भी टू आ जाएगा तो फाइव बाई कितना आ रहा फोर, एक बार जोड़ेंगे इसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा पच्चीस बटे आपका चार चौक सोलह और यहाँ पे आप घटाएंगे पच्चीस बटे सोलह अच्छा दो आपका यहाँ पे बाहर है यहाँ पे कितना आ गया एक्स प्लस फाइव अपान फोर का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर आ जाएगा देखिए इसका स्क्वायर यहाँ पे इसका स्क्वायर और टू इंटू आपका ये भी ये हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आपका अगर बात करते हैं ये कितना आ जाएगा आपका माइनस पच्चीस बटा सोलह है सोलह पचे अस्सी अस्सी माइनस आपको पच्चीस करना है तो पच्चीस यहाँ पे करना तीस घटाते पचास पचपन आ जाएगा आपका तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई आपका पचपन आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा सोलह पचे अस्सी पचपन प्लस आपका पचपन बटे कितना आ जाएगा सोलह पचपन यहाँ पे आपका आना चाहिए पांच का स्क्वायर पांच पचे कितना हो जाएगा आपका पच्चीस और ये आपका फाइव बाई टू ऑलरेडी है भाई ये जब डिवाइड करेंगे तो फाइव बाई टू ये तो खुद ही हो जाएगा ना यहाँ पे गलती हो रही देखिए ये फाइव बाई टू एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ऊपर नीचे आपका कितना आ जाएगा आठ पंचे चालीस चालीस में से आपका पच्चीस जाएगा चालीस में से अगर आप देखिए चालीस में से पच्चीस घटाएंगे तो आएगा पंद्रह तो यहाँ पे जो बचेगा आपका वो पंद्रह बटा कितना आ जाएगा सोलह पंद्रह बटे कितना आ जाएगा सोलह। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी क्या जीरो कितनी हो जाएगी जीरो भाई स्क्वायर है अब यहाँ पे देखो इसकी मिनिमम यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो पंद्रह बटे दो अठे कितना हो जाएगा सोलह पंद्रह बटे आठ इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी पंद्रह बटे आठ इसकी क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं 25% डिस्काउंट के साथ फ्री डिलीवरी है आप आसानी से घर बैठे बुक को मंगा सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं क्यूबिक रूट है भाई अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा और फिर आपका गामा अल्फा ये किसके बराबर होता है सी बाई ए
अब देखो अल्फा बीटा गामा ये किसके बराबर होता है, तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, यही होता आपका। हमें लगाना क्या है, इसको लगाना है, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, इसमें आप क्या करोगे माइनस टू आपका कर देंगे अल्फा बीटा बीटा गामा, यहां पे क्या कर देंगे बीटा गामा गामा अल्फा, ये आप क्या कर दोगे माइनस कर देंगे हम लोग। अब यहां से अगर बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू आपको पता माइनस बी बाई ए, इसका स्क्वायर तो बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू इंटू आपका अल्फा बीटा बीटा गामा तो सी बाई ए, तो टू सी बाई कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपान कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपान क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन आएगा बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे अगला आपका दिया गया है, इसमें देखिए पी एंड क्यू आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस आपका आर है इज इक्वल टू जीरो, पी माइनस क्यू आपका दिया गया वन के बराबर है, तो आर की वैल्यू आपको पता करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं भाई पी माइनस क्यू डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे इसका स्क्वायर पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा आपका, तो माइनस आपका फोर पी क्यू के बराबर आता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये पी प्लस क्यू भाई सम ऑफ द रूट्स कितना, ये आपका पी माइनस क्यू दिया गया वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन, माइनस बी बाई ए पंद्रह और बटे वन, पंद्रह पंद्रह एम कितना आ जाएगा 225 माइनस आपका, देखिए यहां पे अगर बात करते हैं फोर पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा सी बाई ए आर अपान वन, तो मतलब यहां पे आर आ जाएगा, ये फोर आर आप इधर लाएंगे और वन इधर ले जाके घटाएंगे 224 आएगा, और आर की वैल्यू देखिए चार पचे कितना आ जाएगा 20, चार छह 24 कितना आ जाएगा भाई 56 निकल कर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 56 निकल कर आ जाएगा। ये रहा आपका अलजेब्रा का, मैंने पूरा करा दिया आपको, है ना, चाहे आइडेंटिटी हो चाहे आपका क्वाड्रेटिक हो, ये सारे दोनों से क्वेश्चन आपका ठीक ठाक आता रहता है, 10 से 12 सवाल ये आपको कराया। अब कल आपका स्टैटिक्स कराएंगे, जहां से भी वहां से भी 10 से 12 सवाल आते हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।